जी जनाब अली, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड यू नो सम ऑफ द थिंग्स दैट मेक अस सो सो प्राउड फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी इज द अमेजिंग फिलैंथ्रोपिक एंड नॉट फॉर प्रॉफिट इकोसिस्टम दैट पाकिस्तान हैज. हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल और जितने सारे गैप्स हैं, चाहे आप वो हेल्थ केयर में देख लें, एजुकेशन देख लें, इंक्लूसिविटी के हवाले से देख लें, आपको नजर ये आएगा कि हमारा रोबस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट सेगमेंट इन मामलों को हल करता है और एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट और सपोर्ट सिस्टम बनता है for the underserved and the unserved community of Pakistan. Aisa hi ek bahut credible naam hai LRBT jo aankh ki jitne bhi masail hain, mushkilat hain, uske hawale se ek bahut mustanid naam samjha jata hai. Agar aap shuruaat mein dekhen ki kai aisi bimariyan hoti hain jinka bada you know moassar ilaaj kiya ja sakta hai aur wo bahut zyada kharche wala ilaaj bhi nahi hota, lekin agar aap kar le jisme motiya shamil hai, cataract hai, to aap kitne logon ki blindness ko prevent kar sakte hain. I do not need to introduce एलआरबीटी जिनके कैंप्स पूरे पाकिस्तान में लगते हैं और यकीनन ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि मौजूदा हालात में हमारा तमाम ही हेल्थ केयर सेक्टर और नेटवर्क मुतहरिक हुआ हुआ है, क्योंकि जिस तरह ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी कि 3,30,00,000 ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली इस सैलाब की वजह से अफेक्ट हुए हैं एंड इट इज अ ब्रूइंग क्राइसिस. यहां तक कि हम खुराक की कमी के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियां, वबाई बीमारियों के फूटने का भी अंदेशा है, जिसमें मलेरिया शामिल है, डेंगू शामिल है, पुअर हाइजीन कंडीशंस हैं इन कैंप्स में. आपको बताते चलें कि एलआरबीटी के तकरीबन 9 मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ लोकेशंस में, विच इज इन सिंध, बलूचिस्तान, केपी एंड पंजाब, जहां पे रेगुलर आई स्क्रीनिंग भी कंडक्ट हो रही है. इसके साथ साथ ओवरऑल हेल्थ चेकअप्स भी जारी और सारी हैं. मुख्तलिफ बीमारियां जिनके फूटने का अंदेशा, उसमें टाइफॉइड, डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया, डेंगू और मुख्तलिफ किस्म के जल्दी अमराज भी शामिल हैं. सो प्लीज आगे आइए, इनकी मदद भी कीजिए और किस तरह आप मदद कर सकते हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एलआरबीटी जनाब उमर गफूर साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. एलआरबीटी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेकिन मुझे बताइए कि द रोबस्ट सिस्टम दैट यू हैव, और कई लोगों से आपका एक बड़ा खास तौर पर एलआरबीटी का एक कम्युनिटी का नाता है, कई इलाकों में जहां आप मेडिकल कैंप्स कंडक्ट करते हैं वैसे भी हमारे पास टर्शरी एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज मौजूद नहीं है, इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है और आपके 9 मेडिकल कैंप्स से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? शुक्रिया आज टीवी का इसने ये मौका फराहम दिया कि हम थोड़ा बहुत नाजरीन की आगाही कर सकें कि आजकल खुसूसन और वैसे एलआरबीटी क्या कुछ करता है. जब से ये कुदरती अलामत आई है, दिस नेचुरल कैलेमिटी दैट वी आर कन्फ्रंटेड विद, हमारे 10 कैंप्स जो उनसे हमने सेटअप किए हुए हैं जो कि उस पाथवे के अंदर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, जहाँ पे लोगों की टेंट सिटीज़ बनी हुई हैं, जहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास और कहीं से ये सपोर्ट नहीं आ रही, जिस सपोर्ट के अंदर हमारी एक्सपर्टीज़ है. वैसे तो जब आदमी बेघर हो जाए, एक वैसे ही लाचार किस्म का आदमी है, गरीब आदमी है, उसके बाद फिर उसके पास जो कुछ था वो भी चले जाए उसके पास, ही हैज़ नो शेल्टर, ही हैज़ गॉट नो फूड. तो तीसरी चीज़ जो उनसी आती है बीच में, वो आती है कि कंडीशंस की वजह से जिन कंडीशन में वो दो चार हो रहा है उससे बीमारी आ जाती है. जो बीमारियां आपने लिस्ट की बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, इसके साथ साथ आंखों की बीमारियां भी आ जाती हैं बिकॉज सैनिटेशन नहीं है वहाँ पे, लिविंग कंडीशंस ही नहीं है सूटेबल किस्म की. तो उसके लिए हमारी एक्सपर्टीज एरिया जो सा है वो यही है कि हम मेडिकल रिलीफ कैंप्स सेटअप कर सकें. तो हमने 10 टीम्स बनाई हैं उन लोकेशंस के ऊपर, 10 डिफरेंट हमारे हॉस्पिटल्स में हैं जो कि उस पाथवे के अंदर आते हैं, और इन्होंने तकरीबन 5-5 कैंप्स कर लिए हैं अब तक सिंस 5 सितंबर, आज 23 तारीख हो रही है. तो तकरीबन हमने 50 कैंप्स कर लिए हैं ऑलरेडी, और तकरीबन 25,000 लोग जो उनसे हैं वो देखे गए हैं, उनको ट्रीट किया गया है. उसमें से ज़्यादातर बीमारियां जो सामने आइडेंटिफाई हो रही हैं वो यही हैं जिनका आपने जिक्र किया, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, और ज्यादा बीमारियां ऐसी हैं पेट के हवाले से हैं क्योंकि सैनिटेशन कंडीशंस ठीक नहीं थी. नाउ दिस इज अ हेल्थ क्राइसिस ब्रूइंग टू हैपन. हमारी कई मुख्तलिफ अहदेदारान से भी बात हुई, पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सुमरो साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो
टीम्स हैं, दे आर देयर, ह्यूमन रिसोर्स भी है एंड दे आर वेल इक्विप्ड. आपने ऑन ग्राउंड क्या देखा, क्योंकि इसमें बड़े मुनाफी ओपिनियन सामने आते हैं. क्या आप समझते हैं कि जितने लोग अफेक्टीज हैं अभी, उनके लिए ये सेहत की सहूलियात काफी हैं, ना काफी हैं? हाउ बिग इज द गैप? द प्रॉब्लम इज ह्यूमंगस, इसमें कोई शक ही नहीं है जी. और क्योंकि फ्लड सिचुएशन इस किस्म की है कि सब जगह इकट्ठे नहीं हो सकते लोग, स्पार्सली और डिस्ट्रीब्यूटेड लोग हैं. जहाँ जहाँ उनको सहारा मिलता है वहाँ बैठे हुए हैं. हमारी टीम्स जो सी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम्स, हमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो सा है वो ये है कि वी आर स्प्रेड ऑल ओवर पाकिस्तान जी. तो हमें यहाँ से सेंट्रलाइज कोई वर्क फोर्स भेजने की ज़रूरत नहीं, हमारी वर्क फोर्स ऑलरेडी मौजूद है. हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो से हैं वो मूव करते हैं और देखते हैं उन जगहों पे जहाँ बाकी इदारे जो से हैं, एंड आई एम श्योर निजी इदारे भी इसमें शामिल हैं, नेशनल एनजीओज भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल एनजीओज भी सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ज़रूर एफर्ट कर रही है. तो तमाम लोग जो से हैं वे ये मिलजुल के ही एडवांटेज ऑफ हैविंग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि उनका एक खास रिश्ता होता है, बड़ा गहरा नाता होता है. बल्कि ऐसी कुदरती आफात में जब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा कस्बा, गांव, इलाका सफाए हसी से मिट गया, तो वहां के जान पहचान वाले लोग ना सिर्फ बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, देयर क्विक एंड रैपिड रिस्पॉन्स इज एसेंशियल, लेकिन साथ साथ कई लोगों से वाकफियत, उनको जानना भी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है. उमर साहब मुझे बताइएगा, क्योंकि ये 10 जो कैंप्स हैं, मेडिकल कैंप्स हैं, वो पाकिस्तान के चारों सूबों में हैं. अगर आप इनका आपस में मुआवजना करें, जो कि मुश्किल है, लेकिन बहरहाल पानी उतर गया है. हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में और सिंध में तबाहकारियां ज्यादा हैं. क्या हम कह सकते हैं कि पंजाब या केपी कदरे बेहतर है, या इस वक्त अगर आप आपस यानी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रीस्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, तो किस तरह आप अपनी रिसोर्सेज को ज्यादा मोबिलाइज कर पा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर खास तौर के ऊपर और बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल ज़रूरत ज़्यादा है निस्बतन, मगर हम अपने इस रिलीफ एफर्ट को जारी रखने का इरादा रखते हैं. मैं सिर्फ याद दहानी के लिए बताऊं कि 2010 के अंदर जो फ्लड्स आए थे पाकिस्तान के अंदर, वो अगेन LRBT ने तकरीबन ये कैंप्स 5 महीने तक चलाए थे, अगस्त से लेके दिसंबर 2010 के अंदर, और हमने तकरीबन कोई 1.5 लाख लोगों का इलाज किया था. उसमें तकरीबन 9,000 ऐसे भी ऑपरेशंस किए थे, कैटरेक्ट ऑपरेशंस किए थे, जो कि आइडेंटिफाई हो गए थे कि इनको ये मसला था, उनको डायरेक्ट किया गया था. तो ये एफर्ट जो सा है, ये कोई सिर्फ शॉर्ट टर्म एफर्ट नहीं हो सकता, मेरा ये ख्याल है. और हम समझते हैं कि इसके एफर्ट को जारी रखना चाहिए जब तक वो लोग फुली रिहैबिलिटेट नहीं हो जाते. जी, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे और ख्वातीन इन सैलाब सदकान में शामिल हैं. ख्वातीन के बारे में ये खबर भी दी जा रही है, उनमें से कई हामला भी हैं, फिर बुजुर्ग लोग भी हैं. कुछ नंबर सर आपके पास होंगे, क्योंकि इस वक्त अभी तक क्योंकि ना इनका शुमार किया जा सका है, ना हमारे जो टोटल इफेक्टिव हैं, जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जा सका है, तो हम जो देखने वाले हैं सिचुएशन को कैसे बेहतर समझे, कुछ नंबर अगर आपके जहन में हो. मैंने आपसे अर्ज किया कि हमने कोई 25,000 लोगों को ट्रीट किया है, मगर ये जो आप बता रहे हैं जो औरतें हमला हैं, उनका तो ऑफ कोर्स एक डिफरेंट सेगमेंट हो जाता है ऑल टुगेदर. बट उसके अलावा जितनी जनरल डिसीज हैं, जो जनरल मेडिसिन के अंदर जितने भी मसले मसाइल आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, अडल्ट हों, उन सबको देखा जा रहा है. और सारे मसले सर, एक दफा फिर हमारे देखने वालों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप LRBT को इस कार्य खैर में सपोर्ट करना चाहें, तो आप एक पूरा कैंप स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो कि 5 दिन का कैंप होगा और 9 मुख्तलिफ लोकेशंस में लगेगा. इसकी जो एक तखमीना लगाया गया है अब मुखय्यर अफराद के लिए, तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी रुपए है. और इसके अलावा अगर आप किसी भी कैंप की जो अद्वियात हैं उसको स्पॉन्सर करना चाहें, जो तकरीबन 250 पेशेंट्स के लिए काफी होंगी, उसका तखमीना 1.5 लाख रुपए लगाया गया है. आप LRBT के ऑफिशियल अकाउंट्स पे जाकर उनकी इमदाद कर सकते हैं. दीज आर 2 स्पेशल पैकेजेस. प्लीज आगे आइए, मेरी आपसे यही अपील होगी, बिकॉज दिस इज अ हेल्थ क्राइसिस ब्रूइंग टू हैपन. हमारे साथ थोड़ी देर में कासिम सुमरो साहब भी मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, लेटेस्ट उनसे अपडेट्स लेते हैं. लेकिन आपको ये दिखाते हैं रिपोर्ट कि सिंध में तेजी से बढ़ते हुए जो ये हेल्थ क्राइसिस है, जो बीमारियां हैं, जो मसाइल हैं, उसका अहाता इस रिपोर्ट में किया गया है. लेट्स टेक अ लुक.
सैलाब की तबाह कारियों से निपटने में मसरूफ मुतासरीन को बीमारियों ने भी आ घेरा। सिंध भर में हजारों अफराद गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज में मुब्तला हो गए। सिर्फ दादू के अस्पतालों में 7,000 के करीब मरीज जेर इलाज हैं। बीमारियों से अमवात का सिलसिला भी जारी है। कैरपुर नाथनशाह में सीता रोड के रिहायशी बशीर के 3 बच्चे गैस्ट्रो से जा बहक हो गए। दुरुस्त कबल बशीर रिंद की 14 साल की बेटी अलबेली और 10 साल अवेज जहाँ बहक हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ 5 साल की सकीना भी चल बसी। सिंध में लाखों मुतासरीन को खेमों, मच्छरदानियों, साफ पानी और राशन का इंतजार है। भान सईदाबाद, कैरपुर नाथनशाह, फरीदाबाद में 21 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। काछू के देहात से जोही का जमीनी राबता 39वें दिन भी मुनक़ता है। बदीन के शहर पंगरियों का वार्ड नंबर 3 भी शगाफ के पानी से मुतासर होने लगा। जी जनाब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कासिम सुमरो साहब, पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए सेहत। कासिम साहब, इस वक्त द सिचुएशन इज गेटिंग ग्रेव डे बाय डे। जो हमने गुफ्तगू की थी आपसे चंद हफ्ते कबल, उसमें आपने कहा था कि मेडिकल कैंप्स भी लग रहे हैं, अद्वियात भी मौजूद हैं, बट जस्ट द स्केल ऑफ डेविस्टेशन इज वेरी वाइड। इस वक्त आप लोगों की अव्वलीन प्रायोरिटीज क्या हैं? किस तरह इन तरजीहात को सीक्वेंस किया गया है? जैसे आपने खुद कहा कि स्केल बहुत बड़ा है, इतने इसमें कोई शक नहीं है। और मैं खुद भी कल शाम पहुंचा हूँ वापस नॉर्थ के, इन पर्टिकुलर नॉर्थ के एरिया से। लेकिन अभी भी जहां जहां पानी अभी भी खड़ा है, वहां पर अब बहुत ज्यादा बीमारियां जो है वो उठ रही हैं, और खासतौर पर मलेरिया, गैस्ट्रो के केसेस और स्किन डिजीज तो हमारे लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। दो के हमारी रफली गवर्नमेंट की जितनी एफर्ट्स हैं वो सब मिला के अब कुछ एनजीओ के हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं आई है मेडिकल कैंप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 95% जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है उसमें हर रोज रफली 603 कैंप्स जो है वो इस्टेब्लिश हो रही है। जो हर रोज टॉकिंग अबाउट दीज कैंप्स जो मुख्तलिफ ट्राई प्लेसेस पर लोग बैठे हुए वहां जाते हैं, शाम को ही वापस आते हैं। सही। इसी तरह से जो हमारी फिक्स्ड कैंप्स हैं जी, वो जहां जहां पर लोग इस वक्त सेटल्ड हैं वहां पर हम फिक्स्ड कैंप्स की सूरतों में भी जो है वो हमारी न सिर्फ हमारी लेकिन PPHI भी है, ऑफ यूनिवर्सिटी भी है, आपका NICVD है, हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जो इस वक्त दुनिया के बहुत सारे। कासिम साहब, सलाम पेश करते हैं हम तमाम वो लोगों को, आपके तमाम पार्टनर्स को। इस सेगमेंट की शुरुआत भी मैंने इसी से की थी कि हमारा बड़ा एक रोबस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट इकोसिस्टम है जो हर दफा ऐसी मुश्किल के वक्त पे लबैक कहता है। लेकिन मुझे बताइए, जिस तरह आपने खुद कहा कि मौसम की सख्ती भी बढ़ती चली जा रही है, सिंध और बलूचिस्तान की अगर बात की, सिंध की खसूसन बात की जाए तो तपिश बहुत ज्यादा है। जितने मेडिकल कैंप्स में जाने वाले लोग हैं कहते हैं टेम्परेचर्स आर सीरियसली राइजिंग, वहां खड़े रहना मुश्किल है, और एक बीमार शख्स के लिए जहां वबाई अमराज हो उनके लिए मजीद मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान और KP की बात करते हैं, वहां सर्द मौसम बहुत जल्दी आने वाला है, तो अगले एक माह के लिए क्या हिकमत अमली है आपकी? देखिए, जो हमारा जो पार्ट है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये, जैसे आपने खुद कहा, हमारा पार्ट जो है वो मोस्टली ये है कि हम जो चैलेंज वाले क्लस्टर्स हैं, बहुत ज्यादा चैलेंज वाले क्लस्टर इस वक्त जो हमारे पास, अगर आप देखेंगे सैटेलाइट के ऊपर, या मैं खुद ग्राउंड पे था इसलिए मुझे ज्यादा आइडिया है कि हमारे पास सिकंदर शदादपुर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारे पास दादू में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां आज भी 10 फुट 8 फुट जो है वो गांव शहर के शहर, हमारी मेन हाईवे सारी सराउंडेड बाय वाटर है। इस तरह से हमारा नौशेरो है जिससे खैरपुर डिस्ट्रिक्ट और अब जो है वो उमरकोट और सांगर के कुछ एरियाज और फिर हमारा बद्दीन, तो ये वो एरियाज है जहाँ पर पानी आज भी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। और जाहिर है बद्दीन का वो एरिया ऐसा है खास का जहाँ से इस तमाम लेफ्ट बैंक के पानी में ड्रेन होना है और कोई रास्ता नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कासिम साहब, राइट बैंक का भी यही जी, मैं अर्ज ये कर रहा था, एक मिनट कम्प्लीट कर रहे, अर्ज ये है कि इस वक्त ये तमाम एरियाज ऐसे है जहाँ पर हमारे पास इस वक्त सीवियर चैलेंजेस हैं। जो मौसम की सख्ती है वो भी इन एरियाज में ज्यादा है, क्योंकि जैसे आपने कहा धूप बदल, सुबह दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शाम में थोड़ी सी ठंडक सी कुकुनकी सी आ जाती है,
लेकिन हमने जो हमारे एंड पे जो कोशिश है वो ये है कि वी ऑल्सो सजेस्ट रिक्वेस्ट टू दी कंसर्न अथॉरिटीज एंड पार्ट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट कि जी इनको अगर कहीं शेल्टर नहीं है तो आप प्लीज प्रोवाइड कर दें। ए बी दूसरा जो हमारे लिए एक और चैलेंज है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीएम साहब से भी इस पर बात हुई है, हमारे मिनिस्टर इरीगेशन से बात हुई कि आप फ्रेश वाटर दें, क्योंकि अगर हम कैनाल साहब की जो है वो कहीं ना कहीं से ब्रिजेस हैं उनको ठीक करें, क्योंकि फ्रेश वाटर नहीं आएगा तो लोग गेस्ट्रो से जो है वो ऑलरेडी बीमार पड़ रहे हैं और ज्यादा क्लाइमेटी हमारे बिल्कुल सही कासिम साहब ये रिक्वेस्टिंग एब्सोल्युटली आपने अहाता किया ये तमाम बीमारियों का मुश्किलात का जिसके लिए सब लोग साथ आ सकते हैं। हमारे साथ उमर गफूर साहब भी मौजूद हैं, काफी सवाल सर आपसे करना चाहूंगी। मुझे बताइए रसाई और एक्सेस जिस तरह के कासिम साहब भी अभी कह रहे थे कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जो बिल्कुल कटे हुए हैं, इमदादी टीम्स मेडिकल कैंप्स वहां पे जा ही नहीं पा रहे, आपके मुताबिक कितना वक्त लगेगा और वहां की सिचुएशन के बारे में अगर आपके पास कुछ आ गई हो? हम वहां तक पहुंच रहे हैं जहां पे मुमकिन है पहुंचना, मगर सुमरो साहब ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया है कि कई ऐसी जगह हैं जहां पे पहुंचना नामुमकिन है, रोड उनसी कट ऑफ हो गई, कम्युनिकेशन लिंक नहीं है, तो वो लोग जो उनसे हैं वो बाय बोट कहीं पहुंचते हैं जहां कहीं भी पहुंच सकते हैं और वहां पे फिर वो अपना